नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। शिवपुर, लॉकडाउन के बीच जगह जगह नाकाबंदी के बाद भी रेत का खनन जारी है। बड़ौदा मानपुर थानों के साथ शिवपुर सामरसा चौकी पुलिस की शह पर रेत का अवैध परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। इस बात की पुष्टि खुद तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाहा ने की है। तहसीलदार ने गश्त के दौरान अवैध रेत का ट्रैक्टर रोककर देहात थाने को सौंप दिया था, जबकि पुलिस इस बात से इनकार करती नजर आ रही है। जिले में अवैध रेत का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां रेत की कोई भी खदान लीज पर नहीं है, फिर भी रेत की चोरी बेखौफ हो रही है। शासन प्रशासन, खनिज वन विभाग व पुलिस लाख सफाई दे कार्यवाही की बात करें, लेकिन रेत का कारोबार नहीं रुका है। इस कारोबार पर आज तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई। यही कारण है कि कारोबार पर आज तक ना तो रुकावट आई है और ना ही इन्हें कानून का भय है। लॉकडाउन होते ही क्षेत्र के रेत कारोबारियों नदियों से अवैध रूप से रेत का खनन परिवहन कर रहे हैं। 5 से अधिक थाना क्षेत्रों से देर शाम से लेकर सुबह 8 बजे तक ट्रैक्टर मालिकों द्वारा चंबल बनास नदी से अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। मैं तो आपसे ये गया हूँ, देखिए ये ट्रैक्टर निकल रहा है, रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को आप इस पकड़ के कार्रवाई क्या करोगे इस पे? मैं आपको डालो तो नहीं, वो तो मैं डाल ही दूंगा, आपको डाल भी दिया और वीडियो भी डाल दूंगा। मैं कार्रवाई करूंगा, ट्रैक्टर बर्खास्त कराएंगे। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, खबर समय जगत से संवाददाता निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। अपन ने चौकियाँ लगाई है, जैसे गेदा मंडी पे चौकी लग रही है, सलापुरा पे चौकी लग रही है, लेकिन यहाँ पर ना तो लोग किसी को रोका जा रहा है ना किसी को टोका जा रहा है, तो ऐसे में सर्कल में जोड़ने का तो और खतरा पड़ रहा है। चलो ठीक है, हम बोल देते हैं उनको। नहीं सर, रोकने के लिए ही लगी है। नहीं, रोक टोक के लिए लगी है, लेकिन किसी को ना तो रोका जा रहा है और ना ही टोका जा रहा है। इसी के बीच में पुलिस की निगरानी में रेत की टोली भी आ रही है। अवैध रेत की कहाँ से आ रही है? जलालपुर से निकल के मेरे पास वीडियो आया है जी, पुलिस की निगरानी के सामने आ रही है। तो ऐसे में तो सर पुलिस का निशाने था, सवाल खड़े हो रहे हैं ना। वहाँ माइनिंग वाले भी लगे हुए हैं, पुलिस के अकेले नहीं लगे हैं, सब प्रकार के लोग लगे हुए हैं। निशाना तो पुलिस को लगाना है, तो आप लोग जब चाहे जब लगा दो। नहीं सर, बात है नहीं, निशाना पुलिस पे सीधा लगता है ना सर, क्योंकि पुलिस की चौकी लग रही है वहाँ और पुलिस के बंदे खड़े हैं वहाँ पर। भाई पुलिस की भी है, आरटीओ की भी है, हम तो सहयोग के लिए रहते हैं। आप सही हो, आरटीओ की चौकी, आईटीओ की चौकी तो सर वहाँ है कतई किराए पे, लेकिन गेदा मंडी किराए पे तो अपनी की चौकी है पुलिस विभाग की। खबर समय जगत के लिए श्योपुर से फरियाद अंसारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।